मेषराशि, पिछली बातें भूलकर आगे बढ़ेंगे तो जल्दी सफल हो सकते हैं। गोचर कुंडली के धन भाव में चंद्रमा होने से धन लाभ हो सकते हैं। दिन अच्छा साबित हो सकता है। जीवन में खास बदलाव की तैयारी कर सकते हैं। कुछ रिश्तों के मामले में बड़े फैसले लेने के लिए सही समय है। आपके सामने कई तरह की जिम्मेदारियां आ सकती हैं। किसी पुरानी समस्या का नए ढंग से समाधान निकल सकता है। खरीदारी करने में आपको समय लग सकता है। आपके दिमाग में कई तरह के विचार आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से आप बिगड़ी स्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। नए संबंध आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। नेगेटिव, किसी भी काम के लिए जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। कोई भी ऐसा फैसला ना करें जिससे आपके रिश्ते बिगड़ते हों। लोगों को सलाह देने के मामले में सावधान रहें। किसी के भरोसे काम करने से भी बचें। बिना सोचे समझे कोई भी काम शुरू करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। क्या करें, किसी ब्राह्मण या मंदिर के पुजारी को जनेऊ दान दें। लव दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। अविवाहित लोगों को प्रेमी से मदद और प्यार मिल सकता है। करियर, बिजनेस संबंधित उलझने कम हो सकती है। पुराने निवेश से फायदे के योग हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा हो सकता है। बेरोजगार लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हेल्थ, आलस्य और थकान महसूस हो सकती है। सेहत में मामूली उतार चढ़ाव के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि, दिन अच्छा है। कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो कर ले। परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। चंद्रमा आपकी ही राशि में है। बहुत सारा काम निपटाने के लिए दिन अच्छा हो सकता है। आज आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आपका नजरिया भी बड़ा रहेगा और आने वाले समय को देखते हुए आपकी प्लानिंग बनती रहेगी। नई तकनीक को अपने जीवन में भी शामिल करना चाहेंगे। कोई जरूरी काम आज करना चाह रहे हो तो कर दे। साथ के लोगों से समय पर मदद मिल सकती है। नेगेटिव, आज आप सोच विचार में समय खराब ना करें। कामकाज को लेकर मानसिक सुस्ती भी महसूस हो सकती है। फालतू कामों में समय और पैसा लग सकता है। संभल कर रहे, कुछ मामलों में परेशानी भी बढ़ सकती है। पुरानी बातें याद आने से भी तनाव हो सकता है। क्या करें, चाय या दूध पीने के बाद मुंह साफ करें, कुल्ला करें। लव प्रेम संबंधों में सफलता के योग बन रहे हैं। जीवन साथी की मदद भी मिल सकती है। करियर, जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आज आप उलझ भी सकते हैं। बिजनेस में विवाद के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। इस राशि के कुछ लोग जॉब बदलने का मन बना सकते हैं। हेल्थ, ब्लड प्रेशर के मरीजों को संभल कर रहना चाहिए। मिथुन, पॉजिटिव धैर्य से काम लें और खुद पर भरोसा रखें। कोई खास और अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसका मौका मिल सकता है। दूसरों की जरूरतें समझने की कोशिश करें। सकारात्मक नजरिए के दम पर आज आप जरूरी काम निपटाने में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। कुछ लोगों के साथ नए सिरे से संबंधों की शुरुआत हो सकती है। कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद भी आज मिल सकती है। नेगेटिव, कुछ मामलों में मिथुन राशि के लोग परेशान हो सकते हैं। जोखिम और जल्दबाजी से सोचे हुए काम बिगड़ने के योग हैं। नकारात्मक सोच आपको परेशानी में डाल सकती है। आज आप किसी पर भी अपनी जिद थोपने की कोशिश ना करें। इससे आपकी ही परेशानी बढ़ सकती है। खुद भी कोई बड़ा फैसला ना लें और ना ही स्वीकार करें। आपका खर्चा बढ़ने की संभावना है। यात्राओं से धन हो सकती है। बिजनेस में फायदा कुछ कम ही मिल सकेगा। क्या करें, पितृ देवताओं का ध्यान करें और प्रणाम करें। लव, किसी को लव प्रपोजल देना हो तो दे दें। नतीजे आपके फेवर में हो सकते हैं। करियर, जोखिम भरे सौदे करने से आपको बचना होगा। उधार दिया पैसा वापस आ सकता है। स्टूडेंट्स को मेहनत से कुछ कम परिणाम मिल सकते हैं। नई नौकरी के ऑफर भी मिलने के योग बन रहे हैं। हेल्थ, पुराने रोगों से छुटकारा मिल सकता है। किसी तरह का दर्द या जलन है तो राहत मिल सकती है। कर्क, पॉजिटिव करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करें। वृष राशि का चंद्रमा आज गोचर कुंडली के लाभ भाव में रहेगा।
कामकाज में अपने से बड़े लोगों की तारीफ और मदद मिल सकती है। परिस्थितियों के हिसाब से ही काम करेंगे। खुद को बदलने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको ही फायदा होगा। दिन अच्छा रहेगा। आपके अंदाज से आज कुछ लोग प्रभावित हो सकते हैं। पैसे के काम और परिवार के बीच संतुलन बन सकता है। किसी काम के बारे में आपकी भविष्यवाणी सही साबित हो सकती है। नेगेटिव फालतू काम में भी आप फंस सकते हैं और इसी कारण आपके काम योजना के अनुसार नहीं हो पाएंगे। वर्क प्लेस पर परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुछ काम में आप आलस्य भी कर सकते हैं। दोस्तों के साथ बातचीत में समय निकल सकता है। इससे कुछ खास काम भी अधूरे रह सकते हैं। चोट और दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। अनियमितता के कारण सेहत में गड़बड़ी हो सकती है। क्या ना करें, खाने की थाली में ही हाथ ना धोएं। लव जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का मन बना सकते हैं। लव लाइफ के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। करियर, बिजनेस और नौकरी में थोड़े उतार चढ़ाव आने की संभावना है। स्टूडेंट्स को कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। आगे बढ़ने के मौके भी आज मिल सकते हैं। हेल्थ, सिर और कमर दर्द हो सकता है। घबराहट भी रहेगी। सिंह, पॉजिटिव सिंह राशि वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है। नौकरी और बिजनेस के कुछ मामलों में किस्मत साथ दे सकती है। सोचे हुए काम समय से पूरे होने के योग बन रहे हैं। खुशी के मौके मिल सकते हैं। मिले जुले अनुभव वाला दिन हो सकता है। सामाजिक कांटेक्ट्स की मदद से आपके कुछ खास काम पूरे हो सकते हैं। आज किसी उच्च पद वाले व्यक्ति से मदद मिल सकती है। नेगेटिव, किसी की भी बुराई करने से आप पूरी तरह बचें। आप दिन भर व्यस्त हो सकते हैं। किसी भी बात या काम में अति करने से बचें। ऑफिस में किसी भी तरह की गुप्त बात किसी से भी शेयर ना करें। आसपास के लोग आपके रवैये या रूखे व्यवहार की वजह से दुखी हो सकते हैं। घर परिवार में अस्वस्थता हो सकती है। अचानक धन की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। बिजनेस में छोटा मोटा नुकसान होने के भी योग बन रहे हैं। क्या करें, मोगरा, ट्यूलिप या किसी फूल की खुशबू वाला परफ्यूम यूज करें। लव लव लाइफ में सितारे आपका साथ दे सकते हैं। प्यार के इजहार के लिए दिन अच्छा रहेगा। लवर को गिफ्ट देंगे और अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं। करियर, इनकम के नए रास्ते मिल सकते हैं। फालतू कामों में समय निकल सकता है। स्टूडेंट्स को मेहनत के अनुसार नतीजे मिल सकते हैं। प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं। किसी की बातों में आकर जान से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भी लेने से बचें। हेल्थ, मौसमी बीमारियों से तकलीफ बढ़ सकती है। नींद की कमी भी रहेगी। कन्या, पॉजिटिव सितारों से मदद मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है। मौज मस्ती और मनोरंजन का मूड बनेगा। काम का बोझ कम रहेगा। बिगड़े हुए संबंधों में सुधार होने के योग हैं। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से आप जो योजना बनाते आ रहे हैं उस पर काम करने का समय है। आपको सामाजिक सम्मान भी मिल सकता है। नेगेटिव, आप अपनी बात पर जिद करेंगे तो दूसरों से विवाद हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि अपनी योजना के कारण दूसरों के लिए परेशानी पैदा ना हो। बिजनेस में नए एग्रीमेंट करने से बचें। क्या करें, नमक के पानी से पैर धोएं। लव लव लाइफ के लिए दिन मिला जुला हो सकता है। पार्टनर से मदद भी मिलेगी और कुछ मामलों में अनबन होने की संभावना है। करियर, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है। बिजनेस में कोई परेशानी के भी योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। थकान और तनाव हो सकता है, लेकिन खुद पर इसका असर ना पड़ने दे। हेल्थ थोड़ी कमजोर हो सकती है। गले और नाक संबंधी समस्या भी हो सकती है। तुला, पॉजिटिव, आज आसपास के लोग आपके लिए बहुत हद तक मददगार हो सकते हैं। आप जीवन साथी की कोई इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। खुद को थोड़ा टाइम दें। खुद के लिए गए फैसलों पर भरोसा रखें। शांति रखें। धैर्य से काम लें। भौतिक सुख सुविधाओं की ओर रुझान बढ़ सकता है। व्यक्तिगत समस्या सुलझने के भी योग बन रहे हैं। नेगेटिव, खर्चा, व्यवहार, अपनी गाड़ी की गति और अपनी वाणी, इन सब पर आज आप कंट्रोल रखें। बिजनेस में कोई नया फैसला ना लें।
साझेदार से सावधान रहे। चंद्रमा आपकी राशि से 8वीं राशि में है, इससे कुछ जरूरी कामों में रुकावटें आ सकती हैं। आपको किसी काम का पूरा नतीजा नहीं मिलता तो भी अफसोस ना करें। जीवन साथी से मतभेद होने के योग है। कोई राज की बात भी आज उजागर हो सकती है, संभल कर रहे। क्या करे मैनस वन रोटी बिना घी की खाए। लव जीवन साथी से अनबन होने के योग है। किसी मामले को ज्यादा ना खींचे, पुरानी बातें याद करने से बचे। करियर निवेश करते समय सावधानी रखें, धन हानि के योग बन सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा परेशानियों वाला हो सकता है। इस राशि के कुछ लोगों को जॉब के कारण मानसिक तनाव के भी योग बन रहे हैं। हेल्थ, आज आपकी सेहत खराब हो सकती है, लापरवाही से बचें। वृश्चिक, पॉजिटिव विवाह योग्य लोगों को प्रस्ताव या रोमांस के अवसर मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ ज्यादातर समय बीतेगा, दूसरों का सम्मान भी करें। किसी तरह की बिक्री के काम से जुड़े हैं तो बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। बिजनेस और नौकरी में लगातार कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। पुरानी परेशानी निपट सकती है। नौकरी और घर परिवार का तनाव काफी हद तक सुलझने के योग है। उम्मीद और भरोसे से आगे बढ़े, सफलता मिलने के योग है। नौकरी में ट्रांसफर और प्रमोशन मिल सकता है। सामाजिक कामों में लगे रहेंगे, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। नेगेटिव, दूसरों के मामलों में फालतू दखल देने से बचे। आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है, ज्यादा ही खर्चा कर सकते हैं। थोड़े सावधान रहे और ज्यादा खर्चा करने की आदत पर कंट्रोल करें। रोजमर्रा के कामों में किसी बात को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, क्या करें, काला नमक खाएं। लव लाइफ के लिए समय अनुकूल हो सकता है। प्रेमियों में नजदीकियां बढ़ सकती है। करियर, आपके कामकाज की तारीफ हो सकती है। अधिकारियों से मदद मिलने के योग है। खुद का ध्यान रखें, स्टूडेंट्स को मानसिक तनाव रहेगा। हेल्थ, बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। मौसम का असर भी आप पर हो सकता है। धनु, पॉजिटिव, प्रॉपर्टी से जुड़े रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। चंद्रमा के कारण किसी जरूरी काम के लिए बड़ी प्लानिंग हो सकती है। कोई व्यक्ति आगे चलकर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। आपकी रचनात्मक ऊर्जा भी चरम पर हो सकती है। नौकरी करने वाले और कामकाजी लोग जो भी कोशिश करेंगे उसमें सफल हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में गहराई और बढ़ सकती है। आप जो भी काम करें खुद के ही दम पर निपटाने की कोशिश करें। मनोरंजन के मौके मिल सकते हैं, खुद के लिए भी समय निकाल सकेंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। नेगेटिव, किसी की भी मदद लेने से बचें। दूसरों के मामलों में दखल देने से किसी तरह का विवाद हो सकता है, कर्जा ना लें। सावधानी से सारे काम करने की कोशिश करें। आज नौकरी या करियर में मिलने वाले फायदे के कारण आप विवाद में उलझ सकते हैं। गैर कानूनी और गलत कामों से दूर रहें, क्या ना करें, अपोजिट जेंडर वालों की बुराई ना करें। लव प्रेमियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, साथी का मूड आपको परेशान कर सकता है। छोटी सी बात से बड़ा विवाद भी हो सकता है। करियर, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करें। मेहनत के नतीजे कुछ स्टूडेंट्स के फेवर में हो सकते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ, अगले में दर्द और मुंह के रोग हो सकते हैं, सावधान रहे। मकर, पॉजिटिव, कोई बड़ी और अच्छी प्लानिंग बन सकती है। घर और ऑफिस दोनों जगह पर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकेंगे। आज आप कोई बड़ा और फायदेमंद काम शुरू कर सकते हैं। हर तरह के सामूहिक कामकाज में आपको सफलता मिलने के योग है। जो बात मन में है वो आप कह सकते हैं। बच्चों और परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात होने के योग है। नेगेटिव, कुछ ऐसे काम भी आपको करने पड़ सकते हैं जिनको करने का मूड नहीं रहेगा, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आप स्वार्थी भी हो सकते हैं, कुछ मामलों में आप ज्यादा बोल सकते हैं। अपनी आदतों पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। आज आपको बहुत से काम मन मार कर करने पड़ सकते हैं। साथ के लोगों या अधिकारियों से डांट सुननी पड़ सकती है।
क्या ना करें, किसी की शिकायत या चुगली ना करें। लव अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो सकते हैं। पार्टनर आपकी इच्छाएं पूरी कर सकता है, आपको भावनात्मक सहयोग भी मिल सकता है। करियर, बिजनेस और ऑफिस में फालतू विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ, पैर में चोट लगने के योग बन रहे हैं। वाहन से सावधान रहें। कुंभ पॉजिटिव दूसरों की जरूरतों और उनकी इच्छाओं का ध्यान रख सकते हैं। अविवाहित प्रेमियों के लिए समय ठीक कहा जा सकता है। जीवन में सकारात्मक बदलाव के मौके मिल सकते हैं, उनका उपयोग करने से बचें। आज आप ठंडे दिमाग से सोचें और प्लानिंग करके आगे बढ़ें। आपकी आशंकाएं दूर होती जाएंगी, उसका फायदा भी आपको मिल सकता है। संतान की उन्नति से खुश हो सकते हैं। बिजनेस में नई योजनाएं बनने के योग हैं। आज आप अपनी वाणी पर संयम रखें। नेगेटिव मेहनत भी ज्यादा हो सकती है। गोचर कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा होने के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। घरेलू जीवन में अशांति के योग हैं। वाणी पर नियंत्रण न रखा तो परेशानियों में उलझ सकते हैं। दोस्तों और भाइयों से सहयोग नहीं मिलने से दुखी रहेंगे। दिमाग में आज कोई चिंता हो सकती है। आज आपको आसान काम के लिए भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। क्या करें, गुनगुने पानी से गरारे करें। लव पार्टनर भावुक हो सकता है, उसकी भावनाओं का सम्मान करें। अपनी भावनाएं उस पर जबरदस्ती ना थोपें। करियर, ऑफिस या फील्ड में किसी से विवाद होने के भी योग बन सकते हैं, संभल कर रहे। नई योजनाओं पर भी काम होगा, मेहनत के अनुसार नतीजे मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा हो सकता है। हेल्थ, सेहत में सुधार के भी योग बन रहे हैं। लापरवाही ना करें वरना पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। मीन पॉजिटिव, किसी खबर का इंतजार हो सकता है। ऑफिस और फील्ड में समझदारी से काम लें। घर का माहौल अच्छा करने की कोशिश करें। आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में बहुत हद तक व्यस्त हो सकते हैं। बिजनेस करने वाले एक काम निपटाकर दूसरे काम में लग जाएंगे। आज आप हर काम अच्छे से पूरा कर लेंगे। दूसरों की जरूरतों को लेकर बहुत हद तक संवेदनशील हो सकते हैं। दोस्तों के साथ संबंध और अच्छे हो सकते हैं। किसी अच्छे व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। नेगेटिव, आज मीन राशि के लोग बोलने में ध्यान रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। आप किसी को ना चाहते हुए भी कड़वी बात बोल सकते हैं। आपके मन में सैकड़ों विचार आते रहेंगे, थोड़ी बेचैनी भी हो सकती है। पैसों से जुड़े कुछ मामलों के कारण चिंता हो सकती है। भागदौड़ और ज्यादा मेहनत के कारण आप थक सकते हैं। फालतू भस में पड़ने से बचें। क्या करें, जमीन पर बैठकर खाना खाएं। लवलव पार्टनर से मदद मिल सकती है। पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा। साथ काम करने वाले अपोजिट जेंडर से आकर्षण महसूस हो सकता है। करियर, बिना प्लानिंग के कोई काम ना करें। निवेश संबंधित कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अनुभवी से सलाह लें। स्टूडेंट्स को कम मेहनत में भी सफलता मिल सकती है। हेल्थ, कमर और बदन दर्द हो सकता है। शारीरिक थकान और परेशानी हो सकती है।